जनपद अमेठी से है, जहां तहसील तिलोई के ग्राम सभा गढ़ेरी में ग्राम प्रधान मायावती ने होलिका दहन की सुरक्षित भूमि गाटा संख्या 488 पर, तो वहीं ग्राम सभा के कई गरीब पट्टा धारकों की जमीन गाटा संख्या 489 पर अवैध रूप से काफी दिनों से अपनी दबंगई व प्रशासन की साठगांठ से कब्जा कर लिया। इस संबंध में ग्राम सभा वासियों ने एसडीएम से लेकर डीएम व मुख्यमंत्री तक शिकायत पत्र भेजा, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुई और ना ही सुरक्षित जमीन को खाली कराया गया, ना ही गरीब पट्टा धारकों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। साथ ही इस मामले में जहां प्रशासन ग्राम प्रधान के आगे नतमस्तक है, वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अगर प्रशासन की तरफ से जल्दी न्याय नहीं किया गया तो किसी भी अप्रिय घटना का होना संभव है। तब आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, प्रशासन या कोई और? क्या नाम है आपका? विजय कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? गढ़ेरी। क्या मामला है आपका? हमारे यहाँ जो है ग्राम प्रधान माया देवी ने जी होलिका दहन की जमीन पे पूरा कब्जा करके कारखाना बना लिया है। ये कितने सालों से उन्होंने कब्जा कर रखा है? उन्होंने जो है करीब 15-20 साल पहले से कब्जा करते हुए कब्जा किया था, उसके बाद उसमें कारखाना बना दिया। और ये होलिका दहन की जमीन कब जो है निर्धारित हुई थी कि वो होलिका के दहन की जमीन छूट रही है? दहन की जमीन जो है पुस्तैनी सब गाँव वालों की होली अभी तक हमेशा लगती चली आई थी जी, करीब 7-8 साल से। हाँ। इन्होंने कारखाना बना लिया। हाँ। उसके बाद में वहाँ पे जो है होलिका होली लगाने नहीं दे रहे हैं। विवाद होता है हर साल होली में, पुलिस वहाँ आती है। हाँ। मना करती है। हाँ, रखती है, मतलब जो है कुछ लोगों से विवाद भी हुआ था। तो इसकी शिकायत क्या ग्राम सभा वालों ने कभी किसी से किया? ग्राम सभा ने कई बार किया, हमने भी कई बार की है। कहाँ पर किया? जिलाधिकारी के यहाँ, उपजिलाधिकारी के यहाँ जो है किया, मुख्यमंत्री से भी भेजे हैं, IGRS के माध्यम से भी कई बार। यानी आपके कहने का मतलब है कि SDM से लेकर के DM और मुख्यमंत्री तक आपने शिकायत की? जी जी। कितने दिन पहले आपने एप्लीकेशन दी? एक महीने लगभग हुआ, 22 को दिए थे। एक महीने हो गए जी, तब से आज तक अभी तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। उससे पहले भी एप्लीकेशन दी गई? पहले भी कई बार एप्लीकेशन दिए, मतलब इतने IGRS में भी कई बार शिकायत की हमने। इतनी बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अभी क्या आश्वासन प्रशासन की तरफ से कोई मिला है आपको? हाँ, ठीक है, कर देंगे, नापवा देंगे, खाली करा देंगे, होली जो है ये मौके कोई जाता ही नहीं देखने। नहीं, कौन ये बात कह रहा था? लेखपाल। लेखपाल क्या नाम है? लेखपाल मतलब अशोक कुमार है नाम है। अशोक कुमार। हाँ। और कानून गो कौन है? अजहर। तो ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, देख लेंगे, उसको नापवा देंगे, अलग करा देंगे। अरे उन्होंने कई जमीनें कब्जा कर रखी है, पट्टा धारकों की जमीन कब्जा कर रखी है, 488, 489, 490 तालाब उस पर भी कब्जा कर रखा है। ये मौजूदा प्रधान है? जी जी जी, माया देवी प्रधान है ग्राम सभा की जी। कौन? गढ़ेरी की जी। क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ के रहने वाले? गढ़ेरी। क्या मामला है आपका? ये हमारे से पट्टा जमीन थी। हाँ। जब से प्रधान गए। हाँ। देख के जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कौन? शीतल। ये कौन है? शीतल आदमी। अभी मौजूदा प्रधान? हाँ जी। अच्छा, कब से कब्जा किए? ये अभी जब से प्रधान हुए। अच्छा, उससे पहले आपको कब्जा किसने दिलाया था? कब्जा में लेखपाल दिलाया था। कौन लेखपाल? अखंड जी। अखंड। हाँ। उन्होंने कब्जा आपको दिलाया था। हाँ। उसके बाद प्रधान द्वारा कब्जा दोबारा कर लिया? हाँ जी, जबरदस्ती। अच्छा, कितने दिन पहले पुराना पट्टा है आपका? ये हो गए 15-16 साल हो गए। 15-16 साल पुराना पट्टा हो गया, आज तक आपको कब्जा नहीं मिला? नहीं जी, पट्टा नहीं मिला। अच्छा, इसकी शिकायत कब किया आपने? बहुत ज़्यादा दरकार, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ मौजूदा जो SDM है, इनको कभी दिया आपने? नहीं, हाँ दिया था। कब दिया था? अभी अगली बार दिया था। अच्छा, तो उसके बाद कितने दिन बीत गए लगभग शिकायत दिए? एक महीना हो गया जी। एक महीने बाद भी अभी आपका कब्जा दोबारा नहीं मिला? नहीं मिला। तो प्रधान ही कब्जा किए? हाँ, प्रधान ही कब्जा किए। क्या नाम है प्रधान का? शीतल। आपका क्या नाम है? राम कुमार। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ के रहने वाले? गढ़ेरी। क्या मामला है आपका? मामला है ये पट्टा था हमारा। हाँ। और तो अखंड ने दिलवाया। हाँ। तो उसके बाद जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया। नहीं, अखंड लेखपाल जी क्या दिलवाया कब्जा जी? तो उसके बाद किसने कब्जा कर लिया? शीतला प्रसाद। ये कौन है? जी ग्राम प्रधान गढ़ेरी। अच्छा, कितने दिन से कब्जा किए हैं?
जी हो गया करीब 7-8 महीने। 7-8 महीने जी। और कितना पुराना पट्टा है आपका, कितने दिन पहले पट्टा हुआ है आपका? जी हो गया 12-13 साल। 12-13 साल पहले आपका पट्टा हुआ है जी। और आपको कब्जा दिलाया गया था लेखपाल द्वारा, लेकिन प्रधान ने दोबारा कब्जा कर लिया जी। इसकी शिकायत कब किया आपने? शिकायत एक महीना हो गया। कहाँ कहाँ किया शिकायत? तो किया गौरीगंज। हाँ। और उसके पहले रावली था। हाँ। अभी यहाँ तिलोई में। तिलोई में एसडीएम को जी? एसडीएम किसको? एसडीएम को दिया, कौन से एसडीएम? तिलोई एसडीएम जो थी। अच्छा, तो क्या बताया एसडीएम ने, कोई आश्वासन दिया कब्जा कब मिलेगा आपको, कब नहीं मिलेगा? ये आज काल कर रहा थी बस। हाँ। कितने दिन हो गया शिकायत दिए यहाँ तिलोई में? तिलोई में कितने दिन हुआ शिकायत? हो गया 1 महीने हो गया, अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं? नहीं।